नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं एस्ट्रोलॉजर मनीषा कौशिक थोड़ा सारे दा ज्योतिष दे सब तो खास ते पॉपुलर प्रोग्राम तो आडे सितारे पीटीसी दे उते तहे दिल तो स्वागत कर दिया। अपने मेंटोर, अपने गाइड, अपने फादर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा जी दी गाइडेंस नाल मैं डिस्कस करूंगी दिन दा पंचांग ते राशिफल। सब तो पहला अज दा पंचांग। अज 27 सितंबर 2022 दिन मंगलवार, शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि रहेगी सारा दिन। अज गणमूल ते पंचक का कोई योग नहीं रहेगा। राहु काल की गल करिए तो दोपहर 3:13 तो लैके शाम के 4:43 तक रहेगा। एक होर इनऑस्पिशियस टाइम जिन्हों की यमगंधम काल कहते हैं वो सवेरे 9:11 तो लैके सवेर के 10:41 तक रहेगा। हुण गल करिए शुभ समय की, जिन्हें कोई काम करना है तो कर सकते हैं। लाभ का जोड़ा समय है वो सवेरे 10:56 तो लैके दोपहर के 12:16 तक रहेगा। अज का दिन पाइसिस, जेमिनाई ते कैंसर राशि वाले वास्ते खास रिजल्ट ओरिएंटेड ते सिग्निफिकेंट रहेगा। अज माँ का दूजा नवरात्रा भी है। अज दे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। अज जे तुसी माँ नू एक सफेद फुल ते नाल सफेद बताशे दा जे भोग लाने हो तो दिन काफ़ी शुभ रहेगा। एक होर सवाल अज मैं लेना चाहूँगी, अक्सर लोग मैं तो पूछते हैं जी असी सारे नवरात्रे रखे हुए हैं कि असी कोई मेडिसिन जे खा रहे हैं, कोई दवाई जे असी लेने तो कि साडा वर्त टुट जाएगा। मेरा मैं अपनी राय जी शेयर करा, मैं नहीं लगता कि कोई दवाई जी लगातार लै रहे हो, कोई रेगुलर मेडिकेशन लै रहे हो, जो हो सकता है थायराइड की हो, बीपी की हो, शुगर पेशेंट्स जोड़े ने, जो कोई भी दवाई लगातार लेने हो तो बिल्कुल लै सकते हो, तो नहीं छड़नी चाहिए। जो तुम व्रत भी रखे हुए हैं तो भी तो दवाई जी है जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि व्रत का मतलब जोड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ भुखे रहना नहीं है। व्रत जिहड़ा है जे तुसी फिजिकली स्ट्रोंग रहोगे, इमोशनली स्ट्रोंग रहोगे, स्पिरिचुअली तुसी स्ट्रोंग रहोगे, तो ही व्रत का जिहड़ा पूर्ण बेनीफिट है वो तुसी इंजॉय कर पाओगे। ईश्वर कदे नहीं चाहता भी तुसी आपदे आप नूं कष्ट दिओ, क्योंकि जे तुसी दवाई जिहड़ी है छड्डती ते तुहाड़ी जिहड़ी हैल्थ है वो 2-3 दिनां च जे बिगड़ गई तो तुसी व्रत करोगे किवें। इस करके मेरा मनना यह है, मेरी राय यह है जो तुसी लगातार कोई दवाई खाने हो, किसी रेगुलर मेडिकेशन दे हो तो तुहानूं जरूर तुहानूं लैनी चाहिए है। व्रत तुहाडे स्वीकार जड़ी है वो माँ जरूर करेगी। एरियज यानी मेष राशि वाले वास्ते दिन जड़ा है वो मिलिया जुलिया नजर आ रहा है। सेहत पक्ष तो तुहानू कोई भी लापरवाही नहीं लेनी करनी चाहिए, स्पेशली जो स्किन रिलेटेड इशूज चल रहे हैं तो तुहानू मेडिकल गाइडेंस जरूर लेनी चाहिए है। फाइनैंशली दिन मजबूत नजर आ रहे हैं, तुहाडे रुके हुए काम जड़े है वो बनेंगे। लव लाइफ जी है वो जरा अपसैटिंग हो सकती है, हो सकता है कि तुहाडे वास्ते किसी की फीलिंग्स जिहड़ी ने ओह बंदा तुहानू एक्सप्रैस ना कर पावे, पर तुहानू जो पता चल जाता है तो तुसी उस रिलेशनशिप वास्ते तैयार ना हो। प्रॉपर्टी फ्रंट ते भी कोई डिसीजन जे लेना है तो कोई पूरी डॉक्यूमेंटेशन दा या बैकग्राउंड वेरीफिकेशन प्रॉपर्टी दी करन तो बाद ही अगे वधना चाहिए। अज तुहाडा लक्की नंबर रहेगा 22, लक्की कलर रहेगा डार्क ग्रे। तो तुसी उपाय की करना, जो गरीबां चाच मिठाई वंडी जावे तो दिन काफ़ी शुभ साबित हो सकता है। टॉरस यानी वृष राशि वाले वास्ते वधिया दिन साबित होएगा। सेहत संबंधित जिहड़े तुहाडे गोल्स ने, जिहड़े फिटनेस गोल्स ने तुसी अचीव कर सकते हो, किसी नवी एक्सरसाइज रेजिमेंट की शुरुआत भी तुसी कर सकते हो। फाइनैंशियली दिन काफ़ी स्ट्रोंग नज़र आ रहे हैं, कितने की गई इन्वेस्टमेंट, पास्ट इन्वेस्टमेंट तुसी कीती सी वो चंगे प्रॉफिट्स लैके आ सकती है। कुछ लोग जिहड़े है वो नवी FD या इंश्योरेंस खरीदने के बारे भी प्लान कर सकते हैं। लव लाइफ भी तुहाडी इंटरेस्टिंग हो सकती है, आपस च एक दूजे नूं लैके तुसी हुण कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। तुहाडे वास्ते लक्की नंबर रहेगा 7, लक्की कलर रहेगा चॉकलेट। तो तुसी उपाय की करना है, अज किसी भी कंजक नूं जे हरे रंग दी चूड़ियां दोवें हत्थां च पवाने हो तो तुहाडे वास्ते दिन काफ़ी वधिया साबित होएगा। जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों वास्ते दिन ओवरऑल वधिया नज़र आएगा। सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसनली कुछ चीज़ों थोड़ा परेशान कर सकती हैं, हो सकता है तुहाडे कलीग्स कुछ पॉलिटिक्स प्लान करन, तुसी उन्हां दी पॉलिटिक्स का शिकार हो जाओ, किसी की गल्लां च आन तो अज का दिन बचना चाहिए। सेहत संबंधित भी सितारे कहते हैं कि जे अपने खान पान से तुहानू ध्यान रखने की लोड़ है, जे तुहानू लगातार एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो कोई घरेलू नुस्खा थोड़े वास्ते अज कम जरूर आ सकता है, जिहड़ी कि तुहानू एसिडिटी तो आराम देने थोड़ी हेल्प करे। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डिसीजन लैन वास्ते दिन काफ़ी वधिया साबित हो सकता है। अज तुहाडे वास्ते लक्की नंबर रहेगा 3, लक्की कलर रहेगा पीच। तुसी उपाय की करना है, अज किसी भी कंजक नूं तुसी 2 चॉकलेट्स ते दक्षिणा जे दे के आशीर्वाद लैने हो तो तुहाडे वास्ते दिन काफ़ी वधिया साबित होएगा। कैंसर यानी कर्क राशि वाले वास्ते दिन कहता है जी अटेंशन मंग रहा है प्रोफेशनली, हो सकता है जी डेडलाइनस से तुम कम कर रहे थी उन्हें उत्ते थोड़ा होर ज़्यादा मेहनत कम करने की लड़ पवे, थोड़ी वर्क लाइफ जी है वो काफ़ी हैक्टिक नज़र आ रही है, थोड़ा ओवर टाइम लाना पै सकता है। सेहत संबंधित चिंता जी है थोड़ी वो परेशान जरूर कर सकती है, पर सोल्यूशन भी उन्हें जरूर मिल जाएगा।
फाइनैंशियली दिन वधिया साबित होएगा, जे कि लोन तुसी पे ऑफ करना सीगा ते अजो मुमकिन होएगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड भी कोई डिसीजन लिता जा सकता है, जे कमर्शियल प्रॉपर्टी चार्ज से इन्वेस्ट करते हो तो थोड़े वास्ते काफ़ी वधिया ते प्रॉफिटेबल रहेगा। अज थोड़े वास्ते लकी नंबर रहेगा 9, लकी कलर रहेगा क्रीम, ते तुसी उपाय की करना है। किसी भी धर्म स्थल पर जो तुम नंगे पैर जाने हो तो थोड़े वास्ते दिन काफ़ी वधिया रहेगा। हुण सोचो जो धर्म स्थल काफ़ी घरों दूर है तो तुम की कर सकते हो, घरों जिहड़ा है वह नंगे पैर चलो, भावें कार तुसी जिहड़े है वह ड्राइव करके जा रहे हो, कार ते जा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर धर्म स्थल पर जो घरों ही नंगे पैर जाया जाए तो काफ़ी शुभ साबित होएगा। लियो यानी सिंह राशि वालों वास्ते वधिया दिन नज़र आ रहा है जी। लव लाइफ थोड़ी हुण सुलझदी हुई नज़र आ रही है, आपस जिहड़ी अंडरस्टैंडिंग है मजबूत होएगी, दूजे नूं लैके तुसीं कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। थोड़े इनलॉज नाल थोड़े रिलेशन जरूर अपसैट रह सकते हैं, या थोड़े कजनस जिहड़े है वह भी तुहानूं लाइफ थोड़े जिहे इंटरफेयरिंग महसूस कर सकते हो। तुसीं फाइनैंशियली दिन मिलिया जुलिया रहेगा, कितें इनवैसटमेंट करन तो अज बचना चाहिए, पर जे किसी तो पैसा उधार वापस लैना सी तो उहदे वास्ते जरूर ओपन आर्म्स रखनिया चाहिए, खुली बाह नाल तुहानूं वेलकम करना चाहिए। ट्रैवल फ्रंट अच्छा नज़र आ रहा है, स्पैशली जे तुसीं ऑन साइट तो कोई अपॉर्चुनिटी वर्क रिलेटेड मिलती है तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। तुहाडे वास्ते लकी नंबर रहेगा 2, लकी कलर रहेगा लाइट ब्लू, तो उपाय की करना है। अज किसी भी ब्राह्मण जो तुम घर बिठा के भोजन कराने हो या फिर ब्राह्मण जाके तुम आटा चीनी दाल जिहड़ा है जाके उन्होंने दे आने तो तुहाडे वास्ते दिन काफ़ी शुभ साबित होएगा। वगो यानी कन्या राशि वाले वास्ते खूबसूरत दिन नज़र आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुसी दिन जो टेंशन मंगता है वो प्रॉपर्टी फ्रंट के उत्ते है। जो तुसी अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल पर लाई है तो जो बायर है उनकी बैकग्राउंड वेरीफिकेशन जरूर करानी चाहिए है। ट्रैवल रिलेटेड दिन भी मिलिया जुलिया जरूर नज़र आ रहा है, तो इस करके किसी लोंग ट्रिप तो तुहानूं अज बचना चाहिए। शॉर्ट ट्रैवल जिहड़े उन्हां दी कोई मनाही नहीं है। प्रोफेशनली दिन वधिया साबित होएगा, तुसी तुहाडी तुहाडे बॉस नाल रापो जिहड़ी है ट्यूनिंग जिहड़ी है वह बेहतर होंदी हुई नज़र आएगी, बॉस तुहानूं कोई जरूरी इंपोर्टेंट असाइनमेंट भी दे सकते हैं। फाइनैंशियली दिन भी मिलिया जुलिया नज़र आ रहा है, खर्चा तो तुहानूं अज बच के चलना चाहिए। तुहाडे वास्ते लकी नंबर रहेगा 17, लकी कलर रहेगा डार्क ग्रे, ते तुसी उपाय की करना है। किसी भी धर्म स्थल पर जे अज तुसी जाके कुछ फ्रूट चढ़ा के आने हो, कोई फल चढ़ा के आने हो, थोड़े वास्ते दिन काफ़ी शुभ रहेगा। लिब्रा यानी तुला राशि वालों वास्ते दिन कहना है जी प्रोफेशनली, जो अच्छी किसी इंटरव्यू से अपीयर कर रहे हो या कोई सर्टिफिकेशन एग्जाम दे जा रहे हो तो दिन काफ़ी सिग्निफिकेंट साबित होएगा। लव लाइफ बहुत वधिया नहीं नज़र आ रही, कितना कितने डिफरेंस ऑफ ओपीनियन मिसअंडरस्टैंडिंग तो परेशान कर सकती है। प्रॉपर्टी रिलेटेड भी जो थोड़ी कोई खाली प्रॉपर्टी सी तुसी उहदे वास्ते कोई टेनेंट लभ रहे सी, किराएदार लभ रहे सी, तो उन्हां दी बैकग्राउंड वेरीफिकेशन करके ही अगे वधना चाहिए। थोड़े वास्ते लकी नंबर रहेगा 11, लकी कलर रहेगा लाइट पिंक, ते तुसी उपाय की करना है। अज जे मजदूरां च तुसी काली गुलाब जामुना वंडदे हो तो तुहाडे वास्ते दिन काफ़ी शुभ साबित होएगा। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों वास्ते सितारे कहते हैं कि अज किसी लॉन्ग ट्रैवल से तुहानूं बचना चाहिए, लव लाइफ में जरूर टाइम देना चाहिए है, तो प्रोफेसनली ओवर कॉन्फिडेंस तो या ओवर कमिटमेंट करन तो तुहानूं बचना चाहिए। तुहाडे वास्ते लकी नंबर जिहड़ा रहेगा 8, लकी कलर रहेगा मेटालिक ब्लू, तो तुसी उपाय की करना है। 5 रोटियां लैके थोड़ी जी हरी दाल जो कुक की हुई दाल है, मतलब कि घरें बनाई हुई दाल जो तुसी किसी भी गरीब नूं तुसी जाके दे देने उन्होंने खुवाने हो तो तुहाडे वास्ते दिन काफ़ी वधिया साबित होएगा। सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों वास्ते दिन जिहड़ा है वह कहता है कि जी फाइनैंशियली तुहानूं ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं चलना चाहिए, अज खासकर तुहानूं अपने खर्चों के उत्ते कंट्रोल करके चलना चाहिए। इंपल्सिव शॉपिंग इंपल्सिव बाइंग तो तुहानूं अज बचना चाहिए। लव लाइफ भी थोड़ी अटेंशन मंगती है, कितना कितने जी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो हुण सुलझानी चाहिए है। ट्रैवल तुहाडे वीजा तुहाडे PR रिलेटेड न्यूज़ हुण अगे वध सकती है। प्रॉपर्टी रिलेटेड जो कोई भी डिसीजन लेना है तो बिना किसी कंसल्टेंट की सलाह दे या किसी अपने की सलाह दे बिना लिते हुए तुसी अगे नहीं वधना। अज तुहाडा लकी नंबर रहेगा 18, लकी कलर रहेगा वाइट, ते तुसी उपाय की करना है। अज जे तिल दे तेल दा दान दिता जाए तो काफ़ी शुभ साबित होगा। केप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों वास्ते सब तो पहला दिन अटेंशन मांग रहा है सेहत पक्ष वाल, जिते कि तुसी बाकी सारे आस्पेक्ट्स नूं अटेंशन दे दिंदे हो पर आपदे आप नूं तुसी टाइम नहीं दे पाते, तो इस करके अपने आप नूं फिजिकली इमोशनली जिहड़ी स्पेस है अपने अपनी शांति बनाने वास्ते तुहानूं आपदे वास्ते टाइम जिहड़ा है वो जरूर कढ़ना चाहिए है। प्रोफेशनली दिन काफ़ी स्ट्रोंग नज़र आ रहे हैं, किसी इन्फ्लुएंशियल बंदे नाल तुहाडी मुलाकात हो सकती है, जो तुसी अपना बिजनेस करते हो तो बिजनेस नवी स्ट्रैटेजीज भी तुसी प्लान कर सकते हो जिन्हें कि आने वाले समय च तुहानूं अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाए। लव लाइफ कोई भी डिसीजन जिहड़ी है जो तुसी नहीं पूरा कर सकते तो कमिटमेंट भी नहीं करना चाहिए, कोई वड्डा डिसीजन लैन तो भी अज बचना चाहिए। प्रॉपर्टी संबंधित तुहानूं खुशखबरी जरूर मिल सकती है, कोई तुसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट तुसी इन्वेस्ट किया होया सी ते हुण ओहदे प्रोजेक्ट दे कंप्लीट होण दे चांसेस जिहड़े है वो काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहे हैं। फैमिली फ्रंट भी थोड़ा काफ़ी सपोर्टिव नज़र आ रहा है। अज थोड़ा लकी नंबर रहेगा 7, लकी कलर रहेगा लेमन, तो तुसी उपाय की करना है।
ਅੱਜ ਜੇ ਸ਼ਨੀ ਚਲੀਸਾ ਜਾਂ ਸ਼ਨੀ ਸਤੋਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁਭ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਐਕੁਏਰੀਅਸ ਯਾਨੀ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰੋਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੰਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤੋਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਰਹੇਗਾ 2, ਲੱਕੀ ਕਲਰ ਰਹੇਗਾ ਲਾਈਟ ਬਲੂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਮਿੱਠਾ ਭੋਜਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁਭ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਈਸੀਅਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਵੱਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਅੱਜ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੰਟ ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਰਹੇਗਾ 7, ਲੱਕੀ ਕਲਰ ਰਹੇਗਾ ਲੈਮਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲਾਈਂਡ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁਭ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀਫਲ। ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।